नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। रोहतक के सांपला में मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में छात्र संघ चुनाव को लेकर ज्ञापन देने जा रहे इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और SFI के प्रदेशाध्यक्ष शहनवाज समेत करीब 500 छात्रों को पुलिस ने रोहतक की मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास हिरासत में ले लिया। ये छात्र नेता हरियाणा में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी संबंध में ये ज्ञापन PM मोदी को सौंपने जा रहे थे। इनकी अगुवाई इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देसवाल और SFI के प्रदेशाध्यक्ष शहनवाज कर रहे थे। रोहतक की मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अलग अलग बसों में भरकर ले गई। देखें पल पल की खास रिपोर्ट। पुलिसिया बल को आगे कर अपनी ताकत दिखाने का काम ये सरकार करती आई है। पुलिस वाले हमारे परिवार के हैं, आपका सम्मान करते, निरादर नहीं करते। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम डिसिप्लिन में चलेंगे, आप भी हमारे साथ जो है सांपला तक चलो। हमें कोई गाड़ियों की बसों की आवश्यकता नहीं, हम तो पैदल वहाँ तक जा सकते हैं। तैयार होगी नहीं सारे, कोई बात नहीं, बैरिकेड तो इस तरफ है।